तो आज हम करने वाले अपना वही वाला सेशन जो कल नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ इंटरनेट. तो आज हम करने वाले फर्टिलाइजेशन एंड प्लेसेंटा, विच इज पार्ट 4 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, एंड सून वी वुड बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. सो बच्चो, हाउ इज द जोश? सुपर ऑसम. सो आई कैन सी राहुल, हाय अनिल, हाय मोनालिसा, अखिल, मुस्कान, स्नेहा, अनुज, सोनी, सिया शर्मा. गुड मॉर्निंग सिया. सुरभि, गुड मॉर्निंग. अखिल, सानिया, कबूल है, बिल्कुल कबूल है हमको. मोइन अहमद. तो ये सारे प्यारे बच्चे हमारे जो सारे ऑन टाइम आ चुके हैं. इट इज़ सो गुड टू सी एवरीवन हियर. तो चलो बच्चों, लेट्स हिट इट. डू सब्सक्राइब अवर चैनल. बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज वेदांत इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी काइंड ऑफ लर्निंग नीड्स दैट यू वांट. बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस अमेजिंग चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन. क्यों आपको सब्सक्राइब करना चैनल पे, मैं थोड़ा सा आपको एक बता देती हूँ. बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के सेशंस होते हैं. वी हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर CBSE बोर्ड्स. एट द सेम टाइम वी गिव यू एक्स्ट्रा मटेरियल दैट कैन गिव यू एन एज एक्स्ट्रा ओवर द अदर स्टूडेंट्स, विच हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जाम. सो बच्चों, इसीलिए आप, मुझे लगता है कि आपको हमारे सब्सक्राइब करना चाहिए, हमारे अमेजिंग फैमिली को, द वी फैमिली. द वी फैमिली हैज गॉट इट्स ऑफिशियल ग्रुप ऑल्सो, दैट इज वी नीट ऑफिशियल, वेदांत नीट ऑफिशियल. एंड इस टेलीग्राम जुड़ने से क्या होता है बच्चों, आपको लिंक्स मिल जाते हैं, सारे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, PDFs मिल जाते हैं, क्विजेस बहुत होते हैं. सो वो सब आप अटेंड कर सकते हो बच्चों. एंड दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2020. 14 जुलाई से वी आर स्टार्टिंग विद अ क्रैश कोर्स. बच्चों देखो, स्टार्टिंग से ज्वाइन करने का अलग ही मजा होता है, ये आप भी जानते हो. जब आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हो तो आपकी एक प्रिपरेशन फ्लो में चलती है. अब जब ज्वाइन करना है तो आज ज्वाइन करो, बजाय ये सोच के कि हाँ कि अभी तो मेरे पास एक हफ्ता है, मैं तब ज्वाइन कर लूंगा. तो एक हफ्ते की स्टडीज जो आपकी मिस होनी है, देखो ज्वाइन तो करना है, तो आज ज्वाइन करोगे तो वो एक हफ्ते की स्टडीज को मिस नहीं करोगे. अगर बाद में ज्वाइन करोगे तो एक हफ्ते की स्टडीज क्या होगी, मिस हो जाएगी. सो दिस इज अ टाइम यू शुड ज्वाइन इट. ठीक है, आपको मुझे पता है, कई बार यू हैव ऑलवेज थिंकिंग लाइक कि अरे यार, यू नो, ये वाला चैप्टर ना बोरिंग है, तो ये मैं बाद में कर लूंगा. बट वो बाद कभी नहीं आता है. बट जब टीचर आपको क्लास में बहुत अमेजिंगली पढ़ाता है तो यू फील हैप्पी एंड यू वॉन्ट टू रिवाइज दिस फ्रॉम NCERT, बिकॉज यू नो आज मैंने रिवाइज किया तो मेरा हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस क्रैश कोर्स इज अमेजिंग बच्चों. एंड वी डोंट आस्क यू टू मच, ट्रस्ट मी. देर आर कोर्सेज विच कैन कॉस्ट यू अप टू 40,000 रुपीज, क्रैश कोर्सेज, येस, ट्रस्ट मी. बट दिस इज अ टाइम वी डोंट वॉन्ट सो मच ऑफ मनी, वी वॉन्ट ओनली दैट मच दैट इज रिक्वायर्ड टू रन दिस क्रैश कोर्स. 3499 इज द प्राइस. You can click on the link, bachcho, GNEET, you can use the code and this will give you physics, chemistry, biology along with lot of test papers and their discussion. So, sab kuch to hai iske andar. So, I think itna to worth it karta hai aapka NEET ka sapna. Right, bachcho? Itna to worth it hai, right? Yes. And this is, bachcho, for you, those who are preparing for 21 and 22. So, aaj main aapko iske baare mein kuch batana chahti hu, bachcho, that what is this YT Pro? ठीक है, तो चलो इस YT Pro को मैं थोड़ा सा आपको आज एक्सप्लेन करती हूँ, दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस YT Pro इज बच्चों. तो यहाँ पे सबसे पहले ये है क्या, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो YT Pro इज बेसिकली अ वेदांतु सब्सक्रिप्शन. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गूगल पे चलते हैं, जरा आज देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं. जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है. ठीक है, सो लेट्स सी, ये वेदांतु का हमारे चैनल पे विजिट करते हैं. लेट्स गो टू दिस चैनल ओनली. तो ये हमारा प्यारा सा चैनल है, ये हमारी फैमिली है बच्चों. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वीडियोज में, यू कैन सी कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं, हम अपनी वीडियो ले लेते हैं, लाइव वीडियो जो इस वक्त हमारी चल रही है. इस वीडियो के नीचे आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है. सो YT Pro इज अ सब्सक्रिप्शन. तो जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली हमको सबसे पहली चीज जो आती है वो ये आती है कि मैं किस ग्रेड के लिए पढ़ना चाहता हूँ. लेट्स से कि मैं 12th ग्रेड के लिए पढ़ रहा हूँ, सो आई क्लिक ऑन 12th. अब ये पूछता है कि आप सिर्फ CBSE की प्रिपरेशन कर रहे हो या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो. सो लेट्स से कि मुझे नीट की भी प्रिपरेशन करनी है अलॉन्ग विद माई CBSE. सो नाउ इट विल टेक अप दैट पर्टिकुलर कोर्स. ये आपको वही सारी चीजें दिखाएगा जिसके लिए आपने क्लिक किया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 प्लस आवर्स ऑफ लाइव सेशन, मतलब कि बेसिकली आपको सारे लाइव सेशन देखने को मिलेंगे.
20 plus teachers are going to teach you here. Test and assignments you are going to get for each and every chapter, for every topic. English Hindi, yes. If you are comfortable ki mujhse padhna English mein, I am there to teach you. If you want to study from me in Hindi medium, I am there to teach you. Continuous review of areas of improvement. You are going to get a detailed assessment report. And micro and crash courses, yes. This can cover micro and crash courses, jo hamare chapter wise courses hote, everything you are going to get it. Okay, bachcho? Why Vedantu Pro is best? Live interaction, a test series, analysis, everything you have. But you see, the world is changing, right? The world is changing, and I think everything needs to be changed, right? It's time pe, you know, these are the teachers who are going to teach you, bachcho. Every teacher is given here, okay? And you can see the toppers we have produced in these years. So when world is changing, we need to change too. इसलिए आई एम टेलिंग यू कि येस दिस इज अ चांस वेन यू कैन ऑल्सो गिव अ चांस टू योर ऑनलाइन एजुकेशन विद द बेस्ट मास्टर टीचर्स राइट बच्चों तो चलो दिस इज अ लिंक बच्चों एंड लाइक आई सेड हाउ यू कैन सेलेक्ट दीज एंड आफ्टर सिलेक्शन इफ यू गो फॉर ओनली वन मंथ येस इफ यू आर गोइंग फॉर ओनली वन मंथ सब्सक्रिप्शन देन यू हैव टू पे 7,000 बच्चों If you are going for 12 month subscription in a go, then you have to pay 2650 per month. So you can see almost you are saving 62% if you are going for 12 month subscription. So this is good. I think yes, right? Yes, मैं भी पढ़ाती हूँ सिया आई ऑल्सो टेक अ बैचेज यर सम कल बैचेज हमारे 12th के होते हैं और हमारे जो बैचेज होते हैं दृष्टि बैचेज वो 11th के होते हैं आप अपने भाई बहनों को बताइए कि यस यू नो ये टाइम नहीं है कि वेन यू कैन मूव टू अदर सिटी फॉर कोचिंग अब ये टाइम नहीं है कि हम दूसरी एक सिटी में जाए और वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दें यू नो हाउ डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ सो इसलिए वी गिव यू द मोस्ट ईजिएस्ट ऑप्शन घर बैठो पढ़ो एक वाईफाई लगवा लो ठीक है फोन तुम्हारे पास है उसका पूरा भरपूर फायदा उठाओ बच्चों फोन सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब के लिए नहीं होता है फोन पढ़ाई के लिए भी यूज होता है यू कैन शो दिस यस बच्चों यू नो आई हैव सीन स्टूडेंट्स जब वो पढ़ते हैं एक लाइट के अंदर यू नो नीचे बैठ के भी मैंने बहुत स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है यू आर गेटिंग एवरीथिंग बेसिकली वी यूज टू टीच ऑन ऑफलाइन ऑफलाइन हम ही पढ़ाते थे आज हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये वक्त की डिमांड है जो वक्त के साथ बदलता है ना बच्चों वही सक्सेस हासिल करता है अगर मैं सोचती कि मैं आज भी ऑफलाइन पढ़ाऊंगी तो कहाँ से बच्चे लेकर आऊंगी आप खुद बताओ विल आई बी एबल टू टीच सो मेनी स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब नहीं ना इतने बच्चे मैं कहाँ से पढ़ा पाती अगर मैं ऑफलाइन अभी इस टाइम पे तो बच्चे आते ही नहीं मेरी क्लास में बट आई हैव ऑल्सो अडेप्टेड माई सेल्फ मैंने भी 6 महीने में अपने आप को अडेप्ट किया कि येस द चेंज इज हियर एंड आई नीड टू अडेप्ट माई सेल्फ तो जब मैं इस उम्र में अडेप्ट कर सकती हूँ वाई नॉट यू पीपल कैन डू इट वाई नॉट आपको लगता है कि नहीं जैसे मैं आपको YouTube पे डेली आके पढ़ाती हूँ ऐसे ही मैं ऐप पे भी पढ़ाती हूँ वहां पे भी माई क्लासेस होती है फर्क क्या होता है दैट इज द प्लेस वेयर यू डोंट हैव डिस्ट्रैक्शन वहां पे 1000 बच्चे नहीं होते क्लास में वहां पे 50 बच्चे 100 बच्चे एक बिल्कुल स्ट्रेंथ डिटरमाइंड होते हैं वहां पे एक क्लास में 5 टीचर होते हैं टू टेक योर डाउट्स सो दिस इज हाउ दिस कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम YouTube कोर्स सो आई थिंक आई एम एबल टू गिव यू ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रो सब्सक्रिप्शन बच्चों यू शुड ट्राई येस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस garima.goel@vedantu.com पुट अ मेल I'll forward to the team. ठीक है बच्चों And you can use my code GA Pro to get your discount, which is amazing, bachcho. I think we need a change, right, bachcho? Yes. Change is absolutely needed. तो चलो बच्चो आज एक और चीज मैं आपको बताती हूँ फ्री मॉक टेस्ट भी है जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 2020 के लिए दे हैव गॉट देयर फ्री मॉक टेस्ट एंड दिस इज अ स्केड्यूल फॉर योर क्लासेस बच्चो दिस इज अ स्केड्यूल फॉर योर क्लासेस वेन आई बी टेकिंग योर क्लासेस एंड येस दिस इज अ स्केड्यूल ऑफ द डे यू कैन सी बच्चो Now let us start. करें शुरू Yes, मनीषा वर्मा बेटा क्रैश कोर्स में मैं अभी एक क्रैश कोर्स में पढ़ा रही हूँ बट नहीं क्रैश कोर्स में मैं नहीं हूँ बट आई एम श्योर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इज टीचिंग देयर ऑल्सो इन द न्यू क्रैश कोर्स ट्रस्ट मी आपको बहुत ज्यादा चेंज फील ही नहीं होगा बिकॉज वेदांतु का हर एक टीचर अपने में बहुत एक्सपर्ट है एवरी टीचर हु कम्स एट वेदांतु इज एन एक्सपर्ट ट्रस्ट मी येस ठीक है रानी गिरजा क्रैश कोर्स नया बच्चों 14th जुलाई से स्टार्ट हो रहा है मैं तो सिंपल एक बात कहती हूँ करना है तो आज कर लो बात की फिर एक हफ्ते सोचोगे रोओगे बैठ के कि मैंने उस टाइम क्यों नहीं ज्वाइन किया जी स्क्वायर ने बोला था तो इट्स बेटर यू डू इट टुडे
यस, मैं तो यही मानती हूँ, जो बच्चे 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अभी भी प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं और सोच रहे कि हमारे 10 चैनल से ऐसे ऐसे पढ़ाई हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी, यस आई नो दिस इज अ हार्श ट्रूथ, बट आई एम सॉरी बिकॉज आई नो हाउ मच माई स्टूडेंट्स आर इम्प्रूविंग इन माई बैचेस, माई संकल्प बैचेस एंड दृष्टि बैचेस, दे आर जस्ट लविंग इट, दे आर लविंग इट। समटाइम्स आई वुड लाइक टू ब्रिंग देम टू यू नो टू टॉक टू यू गाइज, यू कैन हैव अ वर्ड विद देम, दे आर एंजॉइंग इट सुपर। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 4। आज हमें फर्टिलाइजेशन, प्लेसेंटा टाइप्स, फंक्शन, हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा करना है। सो और ट्विंस भी करने वाले हैं हम, ट्विंस कैसे बनते हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी ह्यूज मिस्ट्री फॉर यू पीपल, सो लेट्स डू इट। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन। बेसिकली फर्टिलाइजेशन इज अ स्टेप जहाँ पे हम एग और स्पर्म को क्या कराने वाले हैं, फर्टिलाइज कराने वाले, फ्यूज कराने वाले टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल। तो अल्टीमेटली आपको एक डिप्लॉइड जाइगोट मिलने वाला है जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये फ्यूज होते हैं तो यू फॉर्म अ जाइगोट एंड दिस जाइगोट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म। यही एक जाइगोट है जो एक नया पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो आज हम इसी स्टेप को करने वाले हैं क्योंकि लास्ट सेशन में आपने देखा होगा प्लेलिस्ट में मैंने ऊजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आज हम ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, सो लेट्स सी। ठीक है, शुभांगी ऑलरेडी देयर विद यू इन क्रैश कोर्स, आ शुभांगी माय बच्चा। तो चलो लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टेप बच्चों। तो आज यहाँ पे पहले मैं भी स्टेप्स लिखूंगी और फिर हम ऊपर वाला डायग्राम भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों द फर्स्ट स्टेप दैट वी स्टार्ट with fertilization is insemination. Now what is insemination? The transfer of sperm from male reproductive system to female reproductive system is called as insemination. ठीक है, and when the insemination is done, the second step, once the sperm enters into the female system, it causes capacitation. It undergoes which process बच्चों? Capacitation. And this was the direct question in NEET 2017. So capacitation occurs in the female reproductive system. Now your question must be, ma'am, what is this capacitation? तो बच्चों capacitation में क्या होता है? This is a sperm head. This is sperm, ठीक है? Sperm head has got cholesterol, ठीक है? Cholesterol deposited, ठीक है? So this removal of cholesterol from the head of the sperm is called as capacitation. And the second thing which occurs in the capacitation is influx of calcium. Occurs influx of calcium, ठीक है बच्चों? So जैसे ही calcium अंदर move करेगा, the motility of sperm increases. तो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, what is capacitation बच्चों? कैपेसिटेशन वो प्रोसेस है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। दूसरी चीज बच्चों, कैपेसिटेशन में इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है जिससे स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, प्लस जो स्पर्म हेड है, स्पर्म हेड के ऊपर से कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाता है। क्या रिमूव हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल इज रिमूव्ड ओवर द स्पर्म हेड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। तो जितना हल्का स्पर्म होगा वो उतनी जल्दी दौड़ लगाएगा, ठीक है? और दौड़ ही हमें चाहिए किससे? स्पर्म से। तो जैसे ही कैपेसिटेशन होता है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द यू नो नेविगेशन। एब्सोल्युटली, नाउ व्हाट इज दिस नेविगेशन? जैसे आपको पता है जीपीएस, अगर आपने अपने फ्रेंड के घर जाना है, आपको उसका एड्रेस नहीं पता, तो आप गूगल मैप्स यूज करते हो, राइट? दिस इज जीपीएस। द सेम वे हमारे जो स्पर्म्स हैं वो भी ओवा को नेविगेट करते हैं। कैसे? थ्रू सम केमिकल्स, एंड दिस नेविगेशन बिटवीन स्पर्म एंड द ओवा इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों इस प्रोसेस को? अगेन एवरीबडी रिपीट विद मी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस, जहां पे केमिकल्स की मदद से स्पर्म एक्चुअली लोकेट करता है ओवा को और उसकी तरफ भागा भागा चला जाता है। और ये कौन से केमिकल्स होते हैं बच्चों? फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन। तो स्पर्म के पास तो होता है एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, जबकि ओवा के पास होता है फर्टिलाइजिन। ओवा के पास क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजिन। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का केमिकल अट्रैक्शन करते हैं जिससे स्पर्म दौड़ा चला जाता है किसके पास? ओवा के पास। तो हमने इंसेमिनेशन भी करा दिया, कैपेसिटेशन भी हो चुका है, कीमोटैक्सिस यानी कि जो स्पर्म सेल है वो पहुंच चुका है किसके पास? ओवा के पास। नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ नेक्स्ट रिएक्शन जिसे हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन को? एक्रोसोमल रिएक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस एक्रोसोमल रिएक्शन? एक्रोसोमल रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्म हैज गॉट एक्रोसोम और इस एक्रोसोम में भरे होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या भरे होते हैं बच्चों इसके अंदर? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स।
और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम धीरे धीरे करके एक एक मेम्ब्रेन को उड़ा देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं, तो हियर यू कैन सी द एक्रोसोमल रिएक्शन। यू कैन सी बच्चों, दिस इज अ स्पर्म। ठीक है, दिस इज ऑल ओवर हियर एंड यू कैन सी द हाउ द एक्रोसोमल रिएक्शन इज अकरिंग एंड द स्पर्म इज एक्चुअली यू नो ब्रेकिंग द मेम्ब्रेन एंड एंटरिंग इनटू इट। कैन यू सी द जिफ बच्चों, द जिफ इज रियली ऑसम। सी हाउ इट हैज रीच्ड टू द इनर वॉल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखें, सो द एक्रोसोम प्रोड्यूसेस हाइलुरोनिडेज। इट प्रोड्यूसेस हाइलुरोनिडेज and this hyaluronidase remove all the hyaluronic acid. Then the second enzyme which is produced during acrosomal reaction is corona penetrating enzyme. Kaun sa enzyme hai bacho? Corona penetrating enzyme. And this enzyme is going to remove corona cells. Okay? Now the third is acrosin or sperm lysin. This acrosin is going to break zona pellucida. What it is going to break, bacho? Zona pellucida. Then after this, this acrosome produces disintegrin peptides. What it produces, bacho? Disintegrin peptides. And this will, break ulema, that is membrane of oocyte. So these four enzymes are filled in the acrosome, and one by one they are going to break the barriers like hyaluronidase, corona penetrating enzyme, acrosin, disintegrin peptide. So one by one all are removed, right? Now bacho, if we go back, now once the sperm enters into the ova, ab yahan pe aap dekhiye next step kya hai bacho, ek bar fir se revise karte hain, let's give it a quick revision once more. To sabse pehle insemination hua, fir capacitation hua, फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, कीमोटैक्सिस हुआ, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ। अभी तक हमें कर चुके हैं। अब एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद स्पर्म ओवा के अंदर मूव करेगा। जैसे ही स्पर्म ओवा के अंदर मूव करता है, दिस ऊसाइट इज अरेस्टेड एट सेकेंडरी ऊसाइट मेटाफेज टू। किस पे अरेस्टेड है बच्चों? ये मेटाफेज टू पे। तो यानी कि पहले मियोसिस टू कंप्लीट होगी। जैसे ही मियोसिस टू बच्चों कंप्लीट होती है, इट गिव्स यू सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओटेड। क्या क्या मिलता है बच्चों? हियर यू कैन सी इट गिव्स यू ओवम, दैट इज ओटेड एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, नाउ दिस ओटेड बेसिकली कंटेन्स मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। तो इसके अंदर मेल प्रोन्यूक्लियाई भी होता है और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई भी होता है। ये दोनों प्रोन्यूक्लियाई जब फ्यूज करते हैं, जिसे हम सिनगैमी बोलते हैं, देन इट प्रोड्यूसेस अ जायगोट। व्हाट इट प्रोड्यूसेस बच्चों? जायगोट। ठीक है, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं हुई है। तो एक बार मैं ये वाला स्टेप भी वापस रिपीट करती हूँ। जो आपका ओवा है वो अभी अरेस्टेड है मेटाफेज टू पे। जैसे उसके अंदर स्पर्म एंटर करता है, तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है जो अरेस्टेड है मेटाफेज टू पे, उसका मियोसिस टू कंप्लीट होगा। मियोसिस टू तभी कंप्लीट होता है जब स्पर्म एंटर करता है। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो दो चीजें बनी, एक था सेकेंड पोलर बॉडी जिसका हमें कोई काम नहीं है, और दूसरा बना ओटेड। ओटेड बेसिकली एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी तक इसमें फ्यूजन नहीं हुआ है न्यूक्लियाई का। इसके अंदर मेल प्रोन्यूक्लियाई भी और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई भी है। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जिसे हम सिनगैमी कहते हैं, तब जाके ये बनाता है जायगोट। क्या बनाते हैं बच्चों? जायगोट। ठीक है रुद्र, तो इस तरीके से होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन। नाउ द आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड विद अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज। दिस फॉर्म्स अ लार्ज सेल व्हिच इज कॉल्ड ओटेड एंड अ वेरी स्मॉल सेल कॉल्ड एज सेकंड पोलर बॉडी। So here you can see bacho cortical reaction. Here you can see, now this cortical reaction is also called as slow block polyspermy. Kya bolte bacho isko? Slow block polyspermy. तो अब इसको समझने के लिए पहले हमें एक टर्म समझना बेहद जरूरी है कि पॉलीस्पर्मी क्या होता है। व्हाट इज पॉलीस्पर्मी बच्चों? देखो कितनी प्यारी जिफ है, दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग जिफ एंड सुमैया हैज डन वेरी ग्रेट जॉब हियर। तो पॉलीस्पर्मी क्या है? एक स्पर्म से ज्यादा जब दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज करे तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीस्पर्मी।
ठीक है, तो यानी कि एक ओवा एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है और स्पर्म्स उसे फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें और स्पर्म्स को रोकना है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो इसके लिए हम करते हैं स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही स्पर्म ने इसे फर्टिलाइज किया, देख रहे हो आप, जैसे इसने फर्टिलाइज किया, जो ओवा के अंदर ये ग्रैन्यूल्स हैं, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर बच्चों, अभी समझाती हूँ, बहुत प्यारा जिफ है। तो आप ये देखिए, जैसे ही स्पर्म ने इसके अंदर एंटर किया था, रिएक्शन हुआ, और ये क्या है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है बच्चों। ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, जो किसके अंदर है, ओवा के अंदर है। तो ये जितना भी ये वाला पार्ट है, ये ओवा है, ये आउटसाइड पार्ट है, ठीक है, और ये आ रहा है स्पर्म, ये आ रहा है स्पर्म। स्पर्म ने देखो ओवा को छुआ, ठीक है, रिएक्शन हुआ, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एक एक करके बाहर निकल गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। किस प्रोसेस से बाहर निकल गए, एक्सोसाइटोसिस, दिख रहे हैं सारे ग्रीन ग्रीन, ये जितने भी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, नाउ दे विल प्रिवेंट कि नो अदर स्पर्म शुड फर्टिलाइज द ओवा। नाउ दीज ग्रीन ग्रैन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विल मेक श्योर दैट नो अदर कॉर्टिकल, यू नो अदर स्पर्म शुड फर्टिलाइज द ओवा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। क्या बोलते हैं बच्चों इस प्रोसेस को, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ठीक है। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, हियर यू कैन सी बच्चों, दिस इज हाउ इट अकर्स, द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ यू कैन सी दिस इज सिनगैमी, सी हाउ द प्रोसेस इज अकरिंग, कैन यू सी बच्चों। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन यू कैन सी हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज प्लेसेंटा बच्चों। नाउ कमिंग टू द प्लेसेंटा, आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू वुड लव दिस टॉपिक बिकॉज वी आर गोइंग टू डू इट इन लॉट ऑफ डिटेल, ठीक है। अ ब्यूटिफुल पिक्चर इज हियर। सो बच्चों इफ यू सी, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई appear on the trophoblast which is surrounded by the uterine tissue and maternal blood। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये trophoblast है, उस trophoblast में कुछ villi like projections आते हैं। trophoblast में क्या आते हैं बच्चों, this is trophoblast, the outer layer of blastocyst। ये trophoblast में villi like कुछ projections आते हैं, ये जो villi like projections हैं, this forms placenta। What does this form बच्चो, this forms placenta, ठीक है, बिल्कुल। The chorionic villi and uterine tissue becomes interdigitated with each other to form placenta। अब आप यहां पे देखिए बच्चों, ये फीटस का हिस्सा है, ये फीटस के माइक्रोविलाय है, ये मदर के एंडोमीट्रियम के माइक्रोविलाय है, ये देख रहे हो, ये मदर के एंडोमीट्रियम के विलाय है, ये फीटस के कोरियोनिक विलाय है, ये इस तरीके से इंटर डिजिटेट हो गए, और ये इंटर डिजिटेटेड स्ट्रक्चर ने क्या बनाया बच्चों, प्लेसेंटा। क्या बनाया, प्लेसेंटा। तो कुछ हिस्सा यहाँ पे फीटस का है, कुछ हिस्सा यहाँ पे मदर का है, दोनों ने मिलके क्या बनाया बच्चों, प्लेसेंटा, ठीक है। अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटर्नल बॉडी, और यही प्लेसेंटा एक फंक्शनल यूनिट है मदर और एम्ब्रियो की बॉडी के बीच में, यहीं से बच्चों सारे तरह का एक्सचेंज होना है। और जो प्लेसेंटा होता है, वो जो फीटस है, वो कैसे कनेक्टेड है बच्चों, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। किससे कनेक्टेड है, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये फोटो देखिए सब, वहां पे मैंने मार्क किया है, ये आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेती हूँ बच्चों, उससे आपको बड़ा ही हेल्प मिलेगा। सो हियर यू कैन सी विच इज कनेक्टेड विद द चाइल्ड, एंड दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दिस इज प्लेसेंटा, जिसमें दिस पार्ट इज फीटल पार्ट एंड दिस पार्ट इज मेटर्नल पार्ट। गेटिंग इट बच्चों, तो यानी प्लेसेंटा और फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है, वो किसके थ्रू बनता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के, and it transports substances to and from the embryo, ठीक है। Now coming to the next part, functions। Now what are the functions? बच्चों यहाँ पे देखिए कितना detailed diagram हमने आपको दिया है। Here you can see, this is umbilical cord। ये सारे chorionic villi हैं जो fetal के part है, और ये maternal layer है। Function क्या क्या है placenta के, protection, absolutely act as a barrier between the fetus and the mother। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, कि मदर का ब्लड और फीटर का ब्लड कभी कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं।
मेरे साथ रिपीट कीजिए सब चैट बॉक्स में, एवरीबडी रिपीट दिस विद मी। यस, तो बच्चों आपको एक चीज याद रखनी है कि ये एक प्रोटेक्शन है, प्लेसेंटा मदर का ब्लड और फीटल का ब्लड कभी आपस के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, ठीक है? बिल्कुल। सो मदर ब्लड एंड फीटल ब्लड नेवर कम्स इन कॉन्टैक्ट, नेवर कम्स इन कॉन्टैक्ट। ये एक एब्सोल्यूटली धमाका पॉइंट है नीट के लिए। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। तो आपको पता है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ मदर का ब्लड है, तो अगर मदर के ब्लड में ऑक्सीजन है तो वो डिफ्यूज होके प्लेसेंटा के थ्रू सीधा फीटस के पास, फीटस के पास ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो प्लेसेंटा के थ्रू डिफ्यूजन होके सीधा मदर के ब्लड में। तो बेसिकली न्यूट्रिशन ग्लूकोज जो लाना है कौन लाएगा, मदर का ब्लड लेकर आएगा। छोले भटूरे का फैट लेकर आना कौन लेके आएगा, मदर का ब्लड लेकर आएगा। तो बेसिकली हर चीज का सोर्स मदर का ब्लड है, ठीक है बच्चों? बिल्कुल। नाउ रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी थ्रू प्लेसेंटा होगा, और एक्सक्रीशन यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जो फीटस की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में आएगा, और मदर की किडनीज अब उसे फिल्टर आउट करेगी, ठीक है? बिल्कुल सही। नाउ नेक्स्ट बच्चों, इट एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। Now, why it acts as an endocrine gland? Because it produces hormones. Hormones, अभी मैं डिटेल में कराने वाली हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। Immunological, transmission of antibodies. The only antibody which crosses placenta is IgG. इसके ऊपर मैं 5 स्टार लगा रही हूँ बच्चों, 5 स्टार, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट लाइन है किसके लिए, नीट एग्जाम के लिए। The only antibody which crosses placenta is your IgG antibody, ठीक है बच्चों? Next, hormones, जैसे कि मैंने आपको बताया था, hormones मैं अभी discuss करने वाली हूँ। The first hormone it produces is HCG, which stands for human chorionic gonadotropin, ठीक है? Next is human placental lactogen, that is HPL, ये mother के blood में, I repeat, ये hormone produce तो placenta करता है, but it works on mother. ये मदर के ब्लड में हमेशा ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा रखेगा, तभी तो बच्चों डिफ्यूजन होगी फ्रॉम मदर ब्लड टू फीटल ब्लड, फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हायर भी तो मेंटेन करना है, तभी तो हायर टू लोअर जाएगा। ये हायर ग्लूकोज को कौन मेंटेन करता है, द ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी एंड रिलैक्सिन ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी, ठीक है? यस। Now next बच्चों, histological there are 6 barriers are found in the placenta which are as follows. तो अब आते हैं बच्चों, जरा हम बहुत डिटेल में आज प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि पहले मैम ने एक लाइन बना दी है, क्या बना दी बच्चों, मैम ने एक लाइन बनाई है, ठीक है? इतना पार्ट के ऊपर आप लिखेंगे फीटल पार्ट, यानी कि वो हिस्सा है जो फीटल का हिस्सा है, किसका, प्लेसेंटा का। इतना हिस्सा किसका है, मदर का। ये मेटर्नल पार्ट है, फीटल पार्ट है, यानी फीटल की 3 लेयर है, यहाँ पे मदर के पास 3 लेयर है जो प्लेसेंटा बना रही है, ठीक है? एंडोथीलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड कोरियोनिक एपिथीलियम, यूट्राइन एपिथीलियम, यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथीलियम ऑफ मेटर्नल ब्लड वेसल। तो बच्चों जितने ज्यादा बैरियर होंगे उतना डिफिकल्ट डिफ्यूजन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज जो आपको नोट करनी है, मोर द नंबर ऑफ बैरियर्स, मोर द नंबर ऑफ बैरियर्स बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है, मोर इज मोर डिफ्यूजन बिकम्स डिफिकल्ट, राइट बच्चों? दिस इज एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह 5 बैरियर कर दूं तो डिफ्यूजन इजी हो जाएगा, अगर 5 की जगह सिर्फ 1 बैरियर होगा तो डिफ्यूजन बहुत इजी होगा, राइट बच्चों? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस बिमल, एब्सोल्यूटली। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे हमने 3 टाइप के आपके लिए लिखे हैं ये सारे के सारे टाइप ऑफ प्लेसेंटा, एपिथीलियोकोरियल यानी एपिथीलियम ऑफ मदर एंड कोरियन ऑफ फीटस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरियन ऑफ फीटस है, ये सारा कनेक्टिव टिश्यू है और ये ब्लड वेसल है, तो कितने बैरियर्स हो गए, 3। कोर एपिथीलियो यानी मदर का ये एपिथीलियम है एंडोमेट्रियम का, ये मदर का मेटर्नल कनेक्टिव टिश्यू है और ये ब्लड वेसल है। तो यानी कि ब्लड वेसल से ब्लड वेसल तक कुछ भी अगर पहुंचाना है मदर से फीटस तो कितने बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, 6। कितने बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे बच्चों, 6।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। यहाँ पे सिन एपिथीलियो कोरियल, कोरियल मतलब यानी फीटस का कोरियोन, फीटस का ये कोरियोन है, ये कनेक्टिव टिश्यू और ये ब्लड वेसल। यहाँ पे मदर का ये क्या है, एपिथीलियम, ये है आपका बच्चों कनेक्टिव टिश्यू और ये है ब्लड वेसल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैरियर जो है कम हो गया, दैट इज मेटर्नल लेयर एपिथीलियम, मदर की एपिथीलियम कम हो गई है। तो यहाँ पे बैरियर कितने हो गए, 5। और ऐसा टाइप का प्लेसेंटा किसमें मिलता है, काउ एंड शीप में मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चों, काउ एंड शीप में। नाउ एंडोथीलियो कोरियल, एंडोथीलियम ऑफ मदर एंड कोरियन ऑफ फीटस, यानी ये कोरियन है फीटस का, ये कनेक्टिव टिश्यू है फीटस का, ये ब्लड वेसल है फीटस की। जबकि एंडोथीलियो यानी एंडोथीलियम ऑफ मदर, यानी मदर में और दो बैरियर्स कम हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ बैरियर्स यहाँ पे 4 है जो कैट और डॉग में मिलते हैं। हीमोकोरियल यानी मदर का ब्लड है, कोई और चीज नहीं है, सिर्फ ब्लड, और फीटस का कोरियन, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल। तो यहाँ पे बैरियर कितने हो गए बच्चों, 3। तो यहाँ पे डिफ्यूजन सबसे फास्टर, यहाँ पे लिटिल स्लोअर, लिटिल मोर स्लोअर एंड स्लोएस्ट, यहाँ मैक्सिमम बैरियर है, यहाँ पे सबसे कम बैरियर है। तो हमारा जो प्लेसेंटा बनता है ह्यूमंस के अंदर वो काफी इंटीमेट कॉन्टैक्ट का बनता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट हियर। लेट्स सी, समीरा अगर बफरिंग हो रहा है तो बच्चा आप अपना इंटरनेट का स्पीड बढ़ाओ बच्चों। यस, सो सबसे पहले एपिथीलियो कोरियल ऑन द बेसिस ऑफ बैरियर्स, मोस्ट प्रिमिटिव सबसे पुराने तरह का है, सिंपलेस्ट है, इसके अंदर 6 बैरियर्स होते हैं। कितने बैरियर्स होते हैं, 6 बैरियर्स होते हैं, ठीक है। सिंडेस्मोकोरियल यूट्राइन एपिथीलियम एब्सेंट, इसमें मदर की एपिथीलियम एब्सेंट होती है, तो इसमें बैरियर्स कितने रह गए बच्चों, 5। ऐसे ही एंडोथीलियो कोरियल यानी यूट्राइन एपिथीलियम, यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट होते हैं, मदर का क्या प्रेजेंट है, सिर्फ ब्लड वेसल, और फीटस के 3 बैरियर प्रेजेंट है, तो टोटल बैरियर कितने हो गए, 4। हीमोकोरियल जो हमें मिलता है, हीमो मींस ब्लड, मदर का ब्लड है जबकि फीटस का कोरियन, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल तीनों है, तो नंबर ऑफ बैरियर्स कितने हो गए यहाँ पे, 3, ठीक है, जो हमें मिलते हैं। ये चीज करना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें करो या ना करो, नीट के लिए हीमोकोरियल पता होना चाहिए क्योंकि ह्यूमन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों, ह्यूमन में। हीमो एंडोथीलियल यानी कि यहाँ पे ब्लड है मदर का, एंडोथीलियम यानी ब्लड वेसल है किसका, आपके फीटस का, ब्लड वेसल किसका है, फीटस का। सो फीटल कैपिलरीज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मेटर्नल ब्लड, तो यहाँ पे बैरियर कितना बना, सिर्फ 1, जो रैट, गिनीपिग और रैबिट में मिलता है। तो कुछ चीज करो या ना करो, अपने बारे में पता होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों, नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा। नाउ व्हाट इज डेसिडुअस प्लेसेंटा एंड व्हाट इज नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा, डिफ्यूज विलाय। बच्चों देखो, अगर ये प्लेसेंटा है और ये सारा में ऐसे इस तरीके से विलाय डिफ्यूज है, ऐसे पूरे तरीके से सारी तरफ है प्लेसेंटा के, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज। कॉटिलेडनरी क्या, ये आपका प्लेसेंटा है और यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसे टफ्ट्स बने हुए हैं विलाय के, इस तरीके से, इसे हम कहते हैं कॉटिलेडनरी टाइप ऑफ प्लेसेंटा। और इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट है कहीं कहीं पे टफ्ट्स है, कहीं कहीं पे लूज भी है, कहीं कहीं पे टफ्ट्स है, कहीं कहीं पे बच्चों लूज भी है, राइट। सो ये 3 तरीके के होते हैं, डिफ्यूज जहां विलाय स्कैटर्ड होते हो ऑल ओवर द सर्फेस, कॉटिलेडनरी जब वो टफ पैचेस की फॉर्म में, ये वाला देख रहे हो आप, पैचेस की फॉर्म में होते हैं विलाय, इंटरमीडिएट थोड़े पैचेस भी मिलेंगे और थोड़े फ्री भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, नाउ डेसिडुअस टाइप ऑफ प्लेसेंटा, नाउ व्हाट आर दी शेप्स, जोनरी विलाय फॉर्म एन इनकम्प्लीट और कंप्लीट गर्डल एनसर्कलिंग द ब्लास्टोसिस्ट। तो यानी कि एक बॉल मुझे चाहिए यहाँ पे, डू आई हैव अ बॉल, चलो बॉल तो नहीं है बट पांडा है मेरे पास, ये ले लेते हैं, ये एक ब्लास्टोसिस्ट है। जब ये ऐसे कंप्लीट रिंग होगी, ऐसे कंप्लीट रिंग होगी बच्चों विलाय की, तो उसे क्या बोलेंगे, जोनरी, ठीक है। डिस्कॉइडल, डिस फॉर्म में प्रेजेंट होगा ब्लास्टोसिस्ट के क्या, विलाय, यहाँ ऊपर जब सिर्फ यहां यहां प्रेजेंट होंगे सारे विलाय डिस की फॉर्म में, तो उसे डिस्कॉइडल बोलेंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगर हम देखें मेटाडिस्कॉइडल, विलाय एट फर्स्ट स्कैटर बट लेटर बिकम रिस्ट्रिक्टेड टू 2 डिस्क, 1 और 2 डिस्क,
पहले मिलाए सारी जगह स्कैटर्ड थे, बट अब वो एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, उसे मेटा डिस्कॉइडल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके विलाय का अरेंजमेंट होता है इन केस ऑफ प्लेसेंटा। तो हमने काफी टाइप की प्लेसेंटा की ऑन द बेसिस ऑफ बैरियर, ऑन द यू नो हाउ विलाय आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ विलाय आर फॉर्म्ड। तो इससे ज्यादा डिटेल में आपसे कभी कोई कुछ भी डाउट नहीं पूछा जा सकता रिगार्डिंग प्लेसेंटा। ठीक है, so here you can see the shapes also, we got you some example, like I told you zonary में एक ring होगी, ठीक है, discoidal में एक disc होगी, meta discoidal में दो disc होगी, at the ends diffuse में हर जगह फैले होंगे। now twins, how twins are formed, I think this is very interesting topic, right बच्चो, everybody hit the like button यार, इतना सब नॉलेज मिल रहा है सिंस ये हमारा बैच है, लॉन्ग टर्म बैच है यूट्यूब का, सो यहाँ पे बच्चों हमको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एब्सोल्युटली, यहाँ पे हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, नीट एग्जाम्पल हम हर चीज करेंगे। ठीक है, सो ट्विंस कैसे बनते हैं देखते हैं, लेट्स सी हाउ ट्विंस आर फॉर्म। द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्विंस आर कॉल्ड आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यू कैन सी एक्चुअली द स्टेप्स हाउ द ट्विंस आर फॉर्म। द फर्स्ट टाइप इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ओवा है, ओवा को फर्टिलाइज किया स्पर्म ने, ठीक है, एक सेल बना था, बट यही जायगोट दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया। मतलब जायगोट दो हिस्सों में स्प्लिट हुआ, तो एक जायगोट ने एक ट्विन बनाया, एक ने दूसरा बनाया। तो यहां पे आप देख सकते हैं यू गॉट द टू ट्विन्स हियर, ठीक है, दो ट्विन्स आपको मिल गए। तो यहां पे चीज क्या है, यहां पे दोनों जेनेटिकली सिमिलर होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि एक ही सेल के स्प्लिटिंग से बने हैं, जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, या तो दोनों फीमेल हो सकते हैं या फिर दोनों मेल होंगे, बट कभी मेल और फीमेल नहीं होंगे इस केस में, दोनों या तो बच्चियां होंगी या दोनों फिर मेल्स होंगे। ठीक है बच्चों, प्लस इसके साथ साथ एक स्पर्म चाहिए और एक ही ओवा चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेटर्नल ट्विंस, दे आर डाइजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि डाइजाइगोट मींस दो जाइगोट से बने हैं ये। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में दो ओवा है बच्चों, दिस इज ओवा वन एंड दिस इज ओवा टू। तो बेसिकली इसमें आपको दो ओवा चाहिए प्लस आपको दो स्पर्म चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस केस में दोनों मेल्स भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकती है, और मेल और फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हर चीज की है, एंड दे आर नॉट जेनेटिकल आइडेंटिकल, नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल बच्चों, राइट, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं ये। सो दीज आर कॉल्ड एज फ्रेटर्नल ट्विन्स और डाइजाइगोटिक ट्विन्स, राइट बच्चों। नाउ नाउ सेमीज ट्विन्स और कॉन्जॉइंट ट्विन्स, सो यू मस्ट हैव सीन दिस एग्जांपल इन द न्यूज ऑल्सो अलॉट मेनी टाइम्स, लाइक मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, सेमीज ट्विन्स ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम वन जाइगोट, बट द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्लीवेज फेल टू सेपरेट कंप्लीटली। तो होता क्या है बच्चों, जैसे कि एक जाइगोट बना, वो दो में स्प्लिट हुआ, बट कुछ हिस्सा ऐसा था सेल का जो कॉमन डेवलप किया दोनों के लिए, यानी जो लिवर बनना चाहिए था इसमें भी और इसमें भी, मे बी वो एक ही लिवर है और वो दोनों शेयर कर रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज कॉन्जॉइंट ट्विन्स, राइट, यस बिल्कुल। तो इन्हें क्या, ये भी हमेशा मोनोजाइगोटिक ही होते हैं, ठीक है, ये हमेशा एक ही, दोनों फीमेल बनेंगे या मेल बनेंगे, बट कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो पाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वन पर्टिकुलर सेल डिफरेंशिएट्स टू वन पर्टिकुलर ऑर्गन विच इज कॉमन टू बोथ, यस, ठीक है। Now with this I complete today's topic बच्चों, do not forget to subscribe this amazing channel बच्चों, I'm looking forward to see you in crash courses and our pro subscription courses in large numbers, right bacho? And this is a crash course, bacho main to abhi bhi kehti hu, baad mein lene se acha abhi lo, jab kaam karna hai to aaj karo, kal ki chinta mat karo, abhi se apni you know apni taiyari ko on top rakho, shuru se top rahoge to motivated feel karoge hamesha. And pro subscription, those who are preparing for 21, बच्चों almost देख रहे हो कितने महीने जा चुके हैं, जुलाई तक तो हो ही चुका है, कब पढ़ोगे फिर कब रिवाइज करोगे, तो you should join it now, yes, सारी chapters detail में पढ़ो मेरे बच्चे, तभी तो आपके concepts अच्छे बनेंगे। Next बच्चों, free mock test is available for Sunday,
एंड ऑफ कोर्स वेदांत इज बेस्ट, तो 5 रेटिंग है हमारी बिकॉज वी आर द बेस्ट, राइट? एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस अमेजिंग वीडियो. विल बी कमिंग अप विद नेक्स्ट टॉपिक एंड देन विल बी एंडिंग द चैप्टर फॉर एन अमेजिंग मेंटी क्विज. बाय बच्चों.